वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे क्या एक पंजीकृत वसीयत को यानी रजिस्टर्ड विल को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे, वसीयत एक कानूनी साधन है यानी लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से वसीयतकर्ता यानी जो व्यक्ति वसीयत बनाता है वो व्यक्ति उसकी आखिरी इच्छाओं को अपने निधन पर अपनी संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में रिकॉर्ड करता है। यानी भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 18E 1908 के अनुसार वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। यद्यपि यह सलाह दी जाती है कि आपको वसीयत की सरलता से संबंधित सभी संदेहों को दूर करने के लिए अपनी वसीयत को पंजीकृत कराना चाहिए यानी रजिस्टर्ड कराना चाहिए। हालांकि वसीयत को पंजीकृत करना उसे अबाध्य नहीं बनाता है, इसे हमेशा अदालत के सामने चुनौती दी जा सकती है। यह भी जरूरी नहीं है कि पंजीकृत वसीयत मृतक का अंतिम वसीयतनामा है। अब एक नई अपंजीकृत वसीयत भी बनाई जाती है जिसे वैध माना जाएगा और पंजीकृत वसीयत पर प्राथमिकता होगी। यदि वसीयत के बारे में कोई शक है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है यानी चैलेंज किया जा सकता है। अब एक पंजीकृत या अपंजीकृत वसीयत को चुनौती के लिए कुछ आधार है, कुछ ग्राउंड्स है। अनुचित प्रभाव यानी अनुचित प्रभाव एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां आपके द्वारा किसी निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो आपकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध या परिणाम का पर्याप्त ध्यान किए बिना होता है। अगर एक वसीयत अनुचित प्रभाव के तहत बनाया जाता है तो इसे कानून की दृष्टि से बुरा माना जाता है और अदालत के सामने चुनौती दी जा सकती है। अब धोखाधड़ी यानी फ्रॉड से बनाया गया वसीयत, अगर एक व्यक्ति को वसीयत बनाने के लिए धोखा दिया जाता है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इस तरह से वसीयत को वसीयतकर्ता की स्वतंत्र सहमति से नहीं माना जाता है और इसे अदालत रद्द कर सकती है। जबरदस्ती, अगर कोई वसीयत आपको बल या धमकी का इस्तेमाल करके बनाया गया है तो ऐसी वसीयत अवैध है यानी इलीगल है और अदालत उसे रद्द कर सकती है। समुचित निष्पादन का अभाव यानी वसीयत को वसीयतकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए यानी साइन होनी चाहिए वसीयतकर्ता की। वसीयत कर देने वाले के हस्ताक्षर के साथ वसीयत में कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर यानी टू विटनेस होने चाहिए जिन्होंने देखा है कि वसीयत वसीयतकर्ता द्वारा किया गया है। अगर इनमें से कोई आवश्यकता पूर्ण नहीं हुई तो वसीयत को वैध नहीं माना जाता है। वसीयत क्षमता का अभाव यानी वसीयत करने वाला व्यक्ति को वसीयत की प्रकृति और परिणामों को समझना चाहिए। वसीयतकर्ता को पूरी तरह से समझना चाहिए कि वह संपत्ति का किस तरह का निपटान या विभाजन कर रहा है और वह मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। निरसन, वसीयत बनाने के बाद वसीयतकर्ता खुद वसीयत को रद्द कर सकता है यदि वह अपने द्वारा किए गए संपत्ति के निपटान या विभाजन से संतुष्ट नहीं है तो वसीयत रद्द करना वसीयत को अमान्य बना देगा और इसे अब लागू करने योग्य नहीं माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, यह थी वसीयत के बारे में पूरी जानकारी। थैंक यू।